माड़ा गांव में जो समाज के सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहां पर नीलकंठ बीसी जी ने आज एक बैठक का आयोजन किया था। मैं निष्पक्ष हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। माली सीमांत खंड हुआ है करके बताया था, वो सरासर मैं झूठ बोला था। वो जो भी हमारे विपक्ष में बोले कि आरोप प्रत्यारोप जो लगाए थे, हाँ, माली समाज एक समुद्र की तरह अथाह समाज है। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आपने देखा होगा कि हमने पिछले दिनों जो पंडरा माली समाज के प्रमुख है नीलकंठ बीसी जी का स्टेटमेंट दिखाया था, और इसी के साथ साथ माली समुदाय के एक और व्यक्ति है भूपेन माझी जी, उनका भी बयान हमने आपको वोकल टीवी पे दिखाया था। दोनों का बयान जारी होने के बाद कहीं ना कहीं भूपेन माझी जी के बयान पर एक विरोधाभास नजर आने लगा था, और समाज के लोग भी उनके बयान का लगातार विरोध कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हम माड़ा गांव में मौजूद है। माड़ा गांव में जो समाज के सभी लोग पहुंचे हुए हैं, यहां पर नीलकंठ बीसी जी ने आज एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक के दौरान तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। यहां पर आप साफ तौर पर, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जो समाज के सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, नीलकंठ बीसी जी भी मौजूद हैं, समाज के प्रमुख है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जो इधर दिखाने की दिखाएंगे, और इसके साथ साथ जो भूपेन माझी जी वो भी मौजूद हैं। माझी जी, पिछले दिनों आपने एक बयान दिया था कि आपके समाज प्रमुख लेटर पेड बेचने का काम करते हैं, उस बयान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके ऊपर लेटर पेड बेचने का आरोप जो लगाया था वो मैं गलत हूँ। उनके ऊपर जो पैसा लेकर के लेटर पेड बेचे हैं करके, ये सारा सर गलत है। नहीं, आपने पैसा लेकर बेचे ऐसा आरोप नहीं लगाया था, आपने सिर्फ ये कहा था कि लेटर पेड बेचा गया है। हाँ, लेटर पेड बेचा गया है, मेरे को अभी जानकारी में पता चला, और लेटर पेड समाज के नाम से दिया गया है, वो तो दोनों पार्टी को दिया गया है। ये बताइए, जिस तरह बीसी जी लंबे समय से आपके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और समाज के विकास में भी कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बीजेपी शासन में भी बड़े बड़े लोग उन्हें मानते थे, कांग्रेस शासन में भी उनका कद एक अलग ही है और समाज में उनका एक अलग इज्जत है, उनके कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीसी जी के कार्यकाल एकदम बहुत ही बेहतरीन है, उन माली समाज के लोग उनके बातों पर मानते हैं, और हम भी सामाजिक प्राणी हैं, जो भी उनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं और हमारे समाज के द्वारा नियम बनाए जाते हैं उसका पालन कराने के लिए हमारे बीसी जी के द्वारा संचालित होता है, और माली समाज जो है एक जुड़ता है। मैंने माली समाज खंड हुआ है करके बताया था, वो सरासर मैं झूठ बोला था आक्रोश में आकर के। अच्छा महोदय, ये बताइए, आपने अभी कहा कि मैंने आक्रोश में आकर बयान दे दिया था, आक्रोश में आकर आपने ये भी बयान दिया था, आप जैसा कह रहे हैं आपके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, आपने ये भी कह दिया था उस दिन जब हमने आपका बयान लिया था, आपने कह दिया था कि समाज दो गुटों में बट गया है, ये आपका कहना था, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे मैं भूल बस बोल दिया वैसे, लेकिन हमारा समाज आपने फिलहाल देखे होंगे हमारा एकजुटता। एक दिन हमारा माली समाज का आंदोलन हुआ था, उसमें सब लोग एक साथ, हमारे समाज के लोग, समाज के सभी बंधु ने एक साथ लेकर के भाग लिया था, मैं ऐसे गलतीवश बोल दिया था। महोदय, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, आपने ये भी कहा था कि उनके बेटे और बहू चुनाव हार गए हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माली समाज का वोट तो उनको मिला, लेकिन अदर समाज के वोट से नहीं मिलने के कारण उनका हार हुआ, लेकिन चुनाव तो एक हार और जीत का होता है, लेकिन मेरे को उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं भी बोल के मैं पछता रहा हूँ। हाँ, तो कुल मिलाकर ये भूपेन माझी जी थे, उनका कहना है कि नीलकंठ बीसी जी के जो व्यक्तित्व के विषय में बोलकर मुझे भी पछतावा हो रहा है, उन्होंने जो तमाम जो बयान उन्होंने जारी किया था उस बयान को उन्होंने वापस लिया है। नीलकंठ बीसी जी मौजूद हमारे साथ। बीसी जी, सामाजिक एकता को लेकर चूंकि आप समाज के मुखिया हैं, समाज में आपका एक अलग ही प्रतिष्ठा है, सामाजिक एकता को लेकर आप क्या कहेंगे? सामाजिक एकता के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संधि है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है उनका और हमारा, वो जो भी हमारे विपक्ष में बोले कि आरोप प्रत्यारोप जो लगाए थे, तो मैं बोला कि ये जो हमारे संधि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्यों ना हम एक मीटिंग बुला करके उनके समक्ष ये सारी चीज़ को रखेंगे और समाधान हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा बोल के मैं सोचा और मीटिंग बुलाया हूँ। तो हमारे संधि जी भी हैं, यहाँ पर बुलाया हूँ, तो उन लोग मेरे को क्षमा याचना भी मांगे, और मेरा जो आरोप लगाया हूँ उसको मैं खंडित करता हूँ बोलने पर मैं,
स्वीकार किया हूँ। बिसी जी, एक सवाल आपसे और करूंगा, समाज के लोगों के प्रति आपके प्रति जो प्यार है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके विषय में समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो समाज के प्रति जो मेरा विश्वास है और प्रेम है, जो मेरे को जितना चाहते हैं मैं भी उनको उतना चाहता हूँ, और मेरे साथ किसी भी समाज के व्यक्ति मेरे साथ संबंध खराब नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है वैसे। और हमारे साथ यहाँ पर शोभा चंद पात्र जी मौजूद हैं। पात्र जी, बी सी जी के कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे? बी सी जी के कार्यप्रणाली, पंडरामाली समाज के सभापति, चारगढ़ के सभापति हैं, उनकी कार्यप्रणाली में कोई भी गलत संचालित नहीं किया जाता। एक युवा भी बिल्कुल मौजूद हैं, तिलक नागेश जी। नागेश जी, यदि बात की जाए तो आज समाज का आप लोगों ने बैठक बुलाया था, आज बैठक में क्या चर्चा हुई? बैठक में ये चर्चा हुई, जो हमारे समाज के एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा जो, नहीं हम देखिए तिलक जी, मैं साफ आपको कहता हूँ, हम किसी पार्टी विशेष की बात यहाँ करने नहीं आए हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, वोकल टीवी किसी पार्टी विशेष की बात यहाँ पे नहीं करेगा। हम ना ही कांग्रेस के का समर्थन करते हैं, ना भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैं निष्पक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। आपने बकायदा पार्टी विशेष की बात कही, पार्टी विशेष की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। निधि जी, क्या कहेंगे मैं अपने बीसी जी का कार्यप्रणाली को लेकर? वर्तमान में जो भूपेंद्र मांझी के द्वारा हमारे समाज के सभापति सम्मान्य नीलकंठ बीसी जी के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था, उस तारतम्य में समाज के सभी बंधु वर्ग को यहाँ पर मीटिंग आहूत की गई, और उस मीटिंग में दोनों के बीच में कि दोनों के बीच बात रखी गई, उस बात को हमारे समाज के सभी बंधुओं को दायित्व दिया गया बीसी जी की ओर से। इस तरह का जो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ है, आप लोग जिस हिसाब से चाहेंगे उसी हिसाब से मैं आपके बात को मानने के लिए तैयार हूँ, और हमारे समाज के बंधुओं द्वारा जो राय दी गई बीसी जी को, उस बात पे वो पूर्ण रूपेण सहमत हुए। महोदय जी, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, बयान जारी होने के बाद कहीं ना कहीं मनभेद और मतभेद की स्थिति बीसी जी और मांझी जी के बीच बनने लगी थी। मैं जो बाहरी चर्चा में सुन रहा था, जो मनभेद और मतभेद है, क्या ये दोनों दूर हो गया? हाँ, माली समाज एक समुद्र की तरह अथाह समाज है, हमारे समाज में विखंडन नहीं होता, समाहित होता है। चूंकि हम लोग आपस में बंधुत्व का भावना है, जो हमेशा रोटी बेटी आदान प्रदान होता है, आज नहीं पूर्वजों से यह चीज परंपरागत अनुसार होते आ रहा है, और यह कभी भी जो मन मुटाव था उसको पानी की तरह और दूध की तरह निर्मल कर दिया गया है। तो ये थे सुशील निधि जी, बकायदा ये डायलॉग मारकर बता रहे हैं कि जो मन मुटाव था उसको पानी और दूध की तरह निर्मल कर दिया गया है। एक युवा मौजूद है हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, आप अपने समाज प्रमुख के विषय में क्या सोचते हैं? राजा के बारे में क्या सोचा जाएगा, राजा तो राजा हमेशा होता है। जहाँ तक भूपेंद्र मांझी ने जो सवाल उठाया था कि उनका गांव सीमित है, ऐसा कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सरपंच निर्विरोध बनते हो और बीडीसी निर्विरोध बनते हो। बीसी जी बाकायदा अपने गाँव में हर बार सरपंच निर्विरोध बनते हैं, और उनके पुत्र अभी भी बीडीसी निर्विरोध है। आज उनका स्थिति यह है, सब समाज में इज्जत करते हैं, वो जो बोलते हैं वही होता है, बाकी सब जानते हैं। अच्छा एक व्यक्ति और हैं। अच्छा उद्धव जी, आप ये बताएंगे कि बीसी जी अपने समाज के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने जागरूकता के साथ वो काम करते हैं? बीसी जी के मार्गदर्शन में ही समाज चलता है, और बीसी जी ये नहीं है कि अपने मन मुद्दे पे सभी को सलाह मशविरा लेते हैं, उसके हिसाब से ही समाज चलाते हैं, और उनके कार्यप्रणाली से किसी भी प्रश्न नहीं किया जा सकता। और बीसी जी का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, कलाहांडी भी है, इधर नौरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है, नोआपाड़ा, नौरंगपुर और कलाहांडी, तीनों डिस्ट्रिक्ट, मतलब चारगढ़ समाज के सभापति हुए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। महोदय, तमाम सवालों के जवाब तो हमने ले लिए, और युवा हो चाहे हर वर्ग के लोग बीसी जी को बहुत ही सम्मान देते मानते हैं। बीसी जी जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो समाज के सभी लोग उन्हें एक राय होकर सब लोग मान जाते हैं उस डिसीजन को, उसके विषय में थोड़ा बताएंगे। जी, बीसी जी जो निर्णय लेते हैं सर्वोपरि है, और सभी सदस्य उन्हीं का निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं, और हम ही लोग भी मानते हैं। ये चारगढ़ के सभापति हैं, एक ही छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, उड़ीसा, कलाहांडी और खड़ियार तीनों जिला के सभापति हैं। यहाँ पर नीलकंठ बीसी जी के दामाद भी यहाँ पर मौजूद हैं,
मैं इनसे इसीलिए बात करूंगा क्योंकि ये शिव नायक जी हैं और निष्ठुरा जो क्षेत्र है निष्ठुरा क्षेत्र में इनकी काफी अच्छी पकड़ है, ये जमीनी स्तर के नेता हैं। नायक जी आपके चूंकि वो आपके ससुर जी भी हैं और समाज प्रमुख भी हैं तो उनकी कार्यप्रणाली के विषय में तो लोग तारीफ कर ही रहे हैं। बीसी जी लंबे समय से जिस तरह समाज को चला रहे हैं तो उन्होंने अब तक समाज को कैसे चलाया है? मैं आज का जो डिसीजन हुआ इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊं कि जो अपने ऊपर आरोप लगाया गया था बीसी जी के ऊपर भूपेंद्र मांझी के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ समिति गठन करने के लिए कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप आया है मैं एक यहाँ सभापति नहीं एक सदस्य के रूप में हूँ, आम सदस्य के रूप में, और आप इसका निष्कर्ष सारे समिति निकालेंगे और उसका जो समाज जो राय देगी वही पर ही मैं ढलान रहूँगा क्योंकि मैं समाज से जीता हूँ और समाज मुझे बड़ा बनाया है, मैं स्वयं नहीं बना हूँ और समाज की राय पर चलूँगा कहकर उन्होंने अपना ही राय को उन्होंने स्वयं रखा। तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की, हमने नीलकंठ बीसी से जी से भी बातचीत की, हमने भूपेन मांझी जी से भी बातचीत की। भूपेन मांझी जी का ये कहना था कि मैं आवेश में आकर मैंने इस तरह बयान दे दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं जो नीलकंठ बीसी जी थे उनकी कार्यप्रणाली की तारीफ की, उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है नीलकंठ बीसी जी समाज के लिए खड़े हो जाते हैं। हमने युवा वर्ग से बात की, युवा वर्ग ने क्या कहा उसे भी बकायदा हमारे वोकल टीवी पर आप जल्दी सुनेंगे। इसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं तमाम लोगों से बातचीत की, लोगों का खुलकर ये कहना था कि कहीं ना कहीं नीलकंठ बीसी जी का जो सपोर्ट है नीलकंठ बीसी जी का जो समर्थन है समाज को बराबर मिल रहा है। अब बकायदा समाज का जो युवा वर्ग के लोग ने यहां तक कह दिया कि जो समाज का राजा है उसके कार्यप्रणाली पर क्या सवाल खड़ा करें, उनका तो कामकाज जबरदस्त है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।